This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। ड्राइवर को अपनी सीट पर बिठा आईएएस ने चलाई गाड़ी, पार्टी देकर उसे घर तक छोड़ा। मुंगेर बिहार। यहां के डीएम उदय कुमार सिंह ने गाड़ी के ड्राइवर संपत राम और कलेक्ट्रेट का एक अन्य कर्मचारी को शनिवार को रिटायर्ड हो गए। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के बाद जब ड्राइवर को घर जाने की बारी आई तो डीएम ने खुद गाड़ी की स्टीयरिंग संभाल ली। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आप पीछे बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ूंगा। दोनों के लिए किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। बता दें कि डीएम ने अपने ऑफिस में दोनों कर्मचारियों को सम्मान के लिए समारोह पर आयोजन किया। इसमें डीएम ने ड्राइवर संपत राम और अन्य कर्मचारी परमेश्वर कुमार को भविष्य निधि और अन्य राशि की चेक दिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद डीएम ने ड्राइवर संपत राम से कहा कि आज हम ड्राइवर बनते हैं और तुम हमारी सीट पर बैठो, हम चालक बनकर तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। इसके बाद डीएम ने ड्राइवर को अपनी सीट पर खुद गाड़ी चलाते हुए उसे घर तक छोड़ा। आंसू आ गए जब डीएम साहब मेरे ड्राइवर बने। इधर ड्राइवर संपत राम ने कहा कि हमने 34 वर्ष 7 महीने 13 दिन तक का सरकार की सेवा की है। डीएम साहब ने इस दौरान मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। डीएम साहब ने कहा कि चलो गाड़ी पर। हम अपनी सीट पर बैठने के लिए गेट खोलने लगे तभी साहब ने कहा कि नहीं, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा और आप मेरी सीट पर बैठेंगे। मैं कुछ समझ नहीं पाया और ना साहब को गाड़ी चलाते देखा था। मैंने आपको चाबी दे दी और साहब ने मेरे लिए पीछे वाले गेट को खोल दिया। इसके बाद बैठते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद साहब गाड़ी चलाते हुए मेरे घर पर पहुंचे और मेरी पत्नी को गीता को देखते ही मेरी पत्नी गीता देखती ही रह गई। मोहल्ले के लोग भी आश्चर्यचकित होकर ये देखने लगे कि क्या हो क्या रहा है। बिहार में इस तरह के शायद ये पहला मामला है। कभी आपने सोचा था ऐसा सम्मान मिलेगा? संपत राम ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि डीएम साहब ऐसा करेंगे। पहले से ही जानकारी ज़रूर थी कि मैं रविवार को रिटायर्ड हो रहा हूं, पर विशेष कार्यक्रम पर इस सम्मान के बारे में नहीं जानता था। शनिवार शाम 4:30 बजे डीएम साहब को लेकर कलेक्ट्रेट के पोर्टिको में पहुंचा तो ये सब देखकर आंखों में आंसू छलक पड़े। ये कोई आइडिया नहीं, आत्मा की आवाज़ थी। डीएम ने कहा कि ड्राइवर की सेवा भाव से लगकर जो भी हमारे व्यक्ति के लिए हमारे करीब 36 वर्षों से सेवा दे रहा है, आज वो रिटायर्ड हो रहा है। नौकरी के आखिरी दिन मैं इसकी सेवा करूं। मैं अपने चालक संपत राम को बिना बताए कई दिनों से उसके लिए विदाई समारोह की तैयारी कर रहा था। ये कोई आइडिया नहीं, मेरी आत्मा की आवाज़ थी। इसमें इतने दिनों तक हमारी सेवा की, आज उसकी सेवा की जाए। धन्यवाद।